नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं आप सभी बीच में। तो दोस्तों, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज आप इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम में उंगली करने जा रहा हूं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स है। हम भारत में 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, और इस गणतंत्र दिवस फिर से बहुत जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो बहुत बड़े बड़े पूंछधारी लोग हैं, वो लंबे चौड़े फेंकने वाले हैं। दरअसल एजुकेशन को सभी कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इसके इंप्रूवमेंट पे सवाल आती है तो आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या है हकीकत, वो चीज समझिए। आज लगभग 90% स्कूल बंद है, बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन बस उनका, आप जरा वीडियोस तो आप देखे ही होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के, जिसमें कि जो स्कूल के जो टीचर होते हैं वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और बच्चे पता नहीं क्या कैसे पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इनका जो वीडियो होता है ये ऑफ कर देते हैं, कभी ऑडियो ऑफ कर देते हैं, कभी बस अटेंडेंस लगाए काम खत्म हो जाता है, इस प्रकार से सिस्टम होता जा रहा है। अब इसमें नुकसान क्या है वो चीजों को समझिए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको प्रोवाइड किए जाने का जिक्र किया गया, क्योंकि 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इंक्लूड किया था, जिसमें ये कहा गया कि सभी बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिलेगा। अब आपको मैं पूरे हकीकत बताने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, एनालाइज कीजिएगा। आपको पता होगा आपके आसपास में भी ऐसी करामात होते होंगे, आप इनको समझिए। जो नेताओं की रैली होती है उसमें लाखों लोग उस फील्ड में होते हैं, क्या उनके लिए कोरोना नहीं होता है? अगर उनके लिए कोरोना नहीं होता है तो फिर ये बच्चे होते हैं जिनके ऊपर अब बहुत सारे ऐसे ऐसे गाइडलाइंस लगाए जाते हैं कि स्कूल बंद होने के पूरे जो व्यवस्था होता है वो कर दिया जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तकरीबन 2-3 साल से यही कहानी चल रही है। नो डाउट कोविड केसेस हैं, बढ़ रहे हैं, दिक्कतें हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए? अगर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अगर टीचर स्कूल, अब तो टीचर को पढ़ाने की आदत भी छूट गई होगी, आपको पता ही होगा एजुकेशन का हाल ये हो चुका है कि एक तो पहले साल ऐसा था कि एजुकेशन में रिजर्वेशन आया, अब रिजर्वेशन को आदत बना दिया गया, रिजर्वेशन की वजह से जो अच्छे अच्छे टीचर्स थे वो पहुंच नहीं पा रहे हैं स्कूल, उनको सेलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा रिजर्व टीचर हैं जिनको मतलब कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, उनको उनकी एजुकेशन देखेंगे, उनके जो जो उनका पढ़ाने का पैटर्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या मतलब। ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल मूव करते हैं, गरीब से गरीब फैमिली जो होते हैं ना, जो मिडिल क्लास के एकदम से गिरे हुए नॉर्मल जो फैमिली होते हैं, नॉर्मल फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, उनको अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते जेब में, लेकिन वो सरकारी स्कूल के हिसाब किताब को देख करके वो प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि अच्छे एजुकेशन मिले। अब इतना तो पहले से ही चलता आ रहा है, ये कोरोना आने के बाद चीजें और भी बद से बदतर हो गई है, शिक्षा व्यवस्था कंप्लीटली ध्वस्त हो चुका है। हमारी सरकार, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके जो रिपोर्ट देखेंगे, उनके जो ट्विटर पर जो उनका ट्वीट होता है उसको पढ़ेंगे, जो न्यूज अखबार में आप पढ़ते होंगे उनको देखेंगे, तो आपको लगेगा ये सब क्या लिख के, ये मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं। स्कूल में पहले बच्चे जाते थे, कम से कम डिग्री लेने तो जाते थे, अब तो वो भी नहीं, अब तो सर बिना पढ़े लिखे को पास कर देते हैं, ये पता नहीं कैसे पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट की क्या मंशा है वो सब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर हम आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो पक्का तय है कि एजुकेशन का मतलब पूरी तरह से बदल जाएगा, और ये सदी एक ऐसा सदी हो जाएगा जहां पर भारत कम दिमाग वाले पीढ़ी को हैंडल करेंगे, और ये बहुत ही जरूरी चीज है समझना। हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, आप देखिए स्कूल में भी, अब मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था एक वीडियो में, मैंने देखा भी था, एक आर्टिकल में पोस्ट किया गया था,
उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था कि अब सरकारी स्कूल में हमारे जो बिहार सरकार हैं, हमारे जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अब सरकारी स्कूल में भी ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था होगा। सर ध्यान सुनिएगा, ये जो टीचर होते हैं ना, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, 99% इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अंडर टेंथ की मैं बात कर रहा हूं, अंडर टेंथ 99% टीचर्स जो होते हैं उनको फोन में बस यूट्यूब मतलब है, उनको बस व्हाट्सएप पता है। अब ये ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। और जो बच्चे हैं उनको भी यही आदत लगी हुई है, उनको मेरे को लग रहा है कि अगर ये ऑनलाइन पढ़ाने वाला बात होगा ना, तो पूरा पूरा का पूरा शिक्षा स्कैम 2020 से लेकर के 2023, ये बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। बाकी चीजों में आपने सुना होगा स्कैम हुआ, लेकिन ये एजुकेशन में जो स्कैम होगा ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर देगा सर, क्योंकि हमारे पास कम दिमाग वाले बच्चों की फौज होंगे, और वही बच्चे आने वाले समय में इस देश को चलाने जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्वालिटेटिव एजुकेशन का मतलब कैसे सही सही लाना चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। हमें स्कूल ओपन करवाना पड़ेगा, स्कूल में भले ही जो व्यवस्था करें वो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके करें, पर स्कूल को रीओपन करें। सरकारी स्कूल हजारों लाखों रुपए इनको मिलते हैं, इनके सैलरी मिलते हैं, टीचर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये ड्यूटी करने आते हैं यहां पे, मतलब खत्म है यार। 90% स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूं, मैं गांव के हिसाब किताब को देखता हूं, यहां पर जो स्कूल का व्यवस्था है ना, जब आप देखेंगे तो अंदर से हिल जाएंगे। टाइम तो निकल रहा है साहब, जो 7th क्लास में थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, आज वो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, और वो उन्होंने कभी स्कूल नहीं किया, वो कोचिंग के दम पे जो कुछ पढ़ाई करते हैं वो जाकर के एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। और सरकार ने तो पिछले बार भी ऐसे किए कि बिना पढ़े को भी पास कर दिए हैं। इनको पॉलिटिक्स करना होता है, इनके राज्य में अगर चुनाव आ जाए ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि बच्चों को ऐसे ही पास कर दो। ये मैं पक्ष विपक्ष दोनों के लिए कह रहा हूं, कम से कम एजुकेशन को मत बर्बाद करो यार। एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा फिर क्या चाहिए, फिर तो खत्म सब कुछ। आप जिस चीज के लिए परेशान हो ना, जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, वो एजुकेशन के दम पर ही आगे बढ़ पाती है, और आपने एजुकेशन की बुनियाद को खत्म कर रखा है पहले से ही। रिजर्वेशन के दम पर तो आपने जो जो क्वालिटेटिव पर्सन है, जो क्वालिटेटिव अब टीचर है, उनको तो आपने एक एक बहुत से बड़े वर्ग को आपने साइड कर दिया है। अब ऐसे टीचर्स हैं आपके पास जिनके जिनको खुद नहीं पता है, जिनको खुद कमिश्नर का स्पेलिंग नहीं आता है, जिनको खुद शिक्षा का मतलब अंधकार पता है, वो उन बच्चों को ट्रेन करने वाले हैं जो पहले से ऑलरेडी ट्रेन हैं। तो ऐसे टीचर कितना क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप जरा खुद समझिए। जहां पर रैली होता है, क्या वहां पर कोरोना नहीं होता है? तो ये स्कूल के लिए आपने कोरोना कह दिया, इसका मतलब स्कैम, शिक्षा का स्कैम। दोस्तों इस वीडियो को फैला दीजिए, जहां तक जा सके भेज दीजिए, हम सरकारी स्कूल के बहुत सारी चीजें आपको दिखा सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज ये है कि इसमें गार्जियन भी सेटिस्फाइड है। ऐसे ऐसे गार्जियन है सर जिनको बच्चे सरकार को सरकारी जॉब चाहिए, जिनके बच्चों को सरकारी जॉब चाहिए, बट वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाए। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सरकारी स्कूल से पढ़ेगा तो इसको सरकारी जॉब मिलेगा ही नहीं, और सरकारी जॉब मिल गया मतलब फिर से इसको आजादी है, इसलिए कहा जाता है बेटा अच्छे से पढ़ ले, सरकारी नौकरी मिल गया ना तो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। सुने होंगे, सरकारी नौकरी मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि इसका एक ही रीजन है कि सरकारी जॉब मिलने के बाद क्वालिटेटिव वर्क जो है ना, एफिशिएंसी जो है ना, पूरा खत्म हो जाता है, और यही चीज हमारे मंत्री संतरी कर रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहन मॉनेटरी दे रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को प्रोत्साहन देना है तो उनके लिए अलग शिक्षक की व्यवस्था कर दो ना यार। स्कूल में आप, आपके स्कूल में बहुत सारे
टीचर्स ऐसे हैं आपके जिस जहां से आप हायर करते हो वहां पर ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री में भी एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं, आप ऐसे टीचर्स को क्यों नहीं हायर करते हो उनके लिए जिनको आप प्रोत्साहन देते हो, मॉनेटरी प्रोत्साहन। ये मॉनेटरी प्रोत्साहन दे करके गार्जियन को तो खुश कर देते हो, वो आपको वोट दे देते हैं और आप फिर से मंत्री बन जाते हैं। इससे बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है और इससे बर्बाद भारत की आप सपना देखते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम तरक्की जैसा भारत चाहते हैं। भारत को विश्वगुरु ऐसे ही बनाओगे आप? भारत की विश्वगुरु बनाने के लिए आपको चाहिए क्वालिटेटिव एजुकेशन, जिसको प्रोवाइड करने के लिए आपको एजुकेशन की जो नींव है उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए आप। ये रिजर्वेशन सभी बच्चों को कमजोर कर रहा है। जातीय रूप से सिर्फ आप केवल और केवल राजनीति कर पाते हो इस रिजर्वेशन के दम पर, जबकि उनको कुछ मिल नहीं पाता है जिनको वास्तव में कुछ चाहिए। अगर सच में आप जातीय तौर पर आंकड़ा देखते हैं ना, तो उनके लिए करिए ना जो सच में जिनको रिक्वायर्ड है, उनको आप मॉनेटरी भी हेल्प करो और प्लस में क्वालिटेटिव एजुकेशन दो, ताकि वो क्रैक करे, आगे बढ़े और देश के बागडोर को संभाले। पर सर आपको तो राजनीति करना है। दिस इज द थिंग्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सर कुछ इंप्रूव करो यार, शिक्षा स्कैम बना करके भारत को बर्बाद मत करो। इस गणतंत्र हम सभी को एक स्वप्न देखना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस गणतंत्र हम सभी को एक स्वप्न देखना है कि भारत में एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति लाना होगा। तो दोस्तों आज मैं यही टॉपिक लिया, मुझे लगा कि मुझे इस पर बातचीत करना चाहिए। इस गणतंत्र आप सभी को मैं पुनः पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हमारा देश खुशहाल हो, हमारा देश एजुकेटेड हो, हमारे देश में इंडस्ट्री लगे, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। हम सभी को केवल सरकारी जॉब पर आश्रित नहीं रहना है, इसका भी स्वप्न आपको ही देखना है। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग तक भी पहुंच सके यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और चूंकि यह जरूरी है, हम लोग इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में जीते हैं, तो इंफॉर्मेशन शेयर करने से ही हम सब जो चीजें हैं, जो रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, वो लोगों तक ले जा सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को पुनः पुनः 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।